वचन सुनने के बाद जो चीज परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है वो है निर्णय लेना। आप जानते हैं कितनी सारी मीटिंग्स हमने एंजॉय की पर हमने डिसीजन कोई नहीं लिया। और आपको पता है परमेश्वर आपके निर्णय का कितना आदर करता है। जब आप डिसीजन लेते हो बस बहुत हो गया ये, अब नहीं, अब थोड़ा हम अपने वे चेंज करेंगे, परमेश्वर आपके निर्णय को पता है कितनी इज्जत देता है। मुझे कोई खुशी नहीं होती है जब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने अच्छा प्रीच किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं मैंने निर्णय लिया। वहां पर प्रीचिंग अकॉम्प्लिश्ड होती है, सफलता पूर्वक पूरी होती है। मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, ब्रैकेट में लिखा है अकॉम्प्लिश्ड, सफलता पूर्वक पूरा हुआ, कुछ भी नहीं रह गया, सब पूरा किया उसने। आप जानते हैं एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, यीशु एक व्यक्ति से मिला और उससे मिलके कहता है देखो आज इस घर में उधार आया है। कब यह शब्द आया, आज तेरे घर में उधार आया है, जब एक व्यक्ति ने अब तक पैसा दिया नहीं था लेकिन निर्णय लिया कि मैं दे दूंगा। जब यीशु ने देखा इस आदमी ने इसके पास चीटिंग का पैसा था और उसे डिसाइड किया कि जितनों से लिया था हर एक को वापस दे दूंगा, तब यीशु कहता है देखो आज इस घर में उधार आया है। अब तक कुछ दिया नहीं था उसने, पर उसने इंटेंशन दिखा है, खुदा हां मैं देना चाहता हूं सबको। दानियल ऐसा कहती है बाइबल में कि वो एक जगह पे गया जिसका नाम था बेबीलोन और उसके सामने खाना परोसा गया जो एक यहूदी के अनुसार खाने के लिए सही नहीं था। उसे डिसाइड किया मैं वो खाना नहीं खाऊंगा और लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह उससे मिला। आप जानते हैं लोहा चकमक का पीछा करता है। चकमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। लोहा मैग्नेट का पीछा करता है। आपको पता है ग्रेस आपके निर्णय का पीछा करता है। ये कौन से वो लोग हैं जो आज मीटिंग को सुनने के बाद निर्णय लेंगे, ग्रेस उनके ऊपर ठहर जाता है। लेकिन कोई आते हैं हाँ अच्छी मीटिंग थी, ये बंदा अच्छा बोलता है, बहुत डिफरेंट प्रीचिंग करता है, ये वो डेड लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ बाइबल पढ़ के सुना देते हैं, ये हैव अ रेवलेशन और प्रैक्टिकल थिंग्स बताता है, आपने जस्ट एंजॉय किया, इससे कोई लाभ नहीं होगा। निर्णय लेना इट्स जो सबसे बेहतरीन चीज होती है कि आप सुनो और आप निर्णय लो और परमेश्वर को कहो प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे आज से ये नहीं करना है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपके बगैर मदद के इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए यीशु ने आपको नहीं कहा है जुआ उठाओ, यीशु ने कहा है आओ हम उठाएंगे। आपको अपना जुआ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, आप पार्टनर्स हो। इस बात को याद रखिए, आपने जितने भी सर्मन आज तक इस कलीसिया में सुने हैं, कितने भी आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी है, वो बातें तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक आप ईमानदारी से प्रभु के सामने जाओ और उसे अनुग्रह मांगो। अदरवाइज आपका सिर्फ एक नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ पे कोई इजाफा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? द बेस्ट थिंग इज आप कुछ आज की मीटिंग को सुनने के बाद आप कुछ निर्णय लो, डिसीजन लो कि हां आज के बाद मैं ऐसा लूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा। सोचो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया था। आपको पता है शैतान इंसान के निर्णयों पे कितना ध्यान देता है। आप जानते हो इस संसार में शैतान यीशु का पहला नाम क्या जानता है? आपको तो बहुत नाम पता है ना, यीशु के जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, ये वो। आपको पता है पहली बार शैतान ने यीशु को किस नाम से जाना है? बीज, सीड। उसे पहले कहा गया था स्त्री का बीज, स्त्री का बीज। मैं समझता हूं उसने प्रभु के वचन पे मेडिटेट किया था, कौन है वो स्त्री, कौन है वो बीज। अब देखो उसके बाद केन और हाबिल पैदा हुआ, केन के द्वारा उसने हाबिल को मरवा दिया। उसे ऐसा लग रहा था हाबिल वो मसीह है जो लोगों को छुड़ाएगा। उसके बाद आप देखो तरह तरह से उसने उस बीज को खत्म करने की कोशिश की। और आज को पता है यीशु आया, मुर्दों में से जिंदा होके ऊपर चला गया, और आज भी यीशु का एक नाम है बीज, ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड, सीड है। जब मैं
यहां पर खड़े होके आप में सीड डालता हूं, बीज बोता हूं। याद रखिए, शैतान आपसे नहीं डरता है, वो सीड से डरता है। आज भी जैसे वो उत्पत्ति में डर रहा था, वैसे वो आज भी डरता है। इसके लिए, इसी वजह से वो आपके ध्यान को इतनी व्यर्थ बातों में लगा लगा कर, टोंटिंग ये वो उन बातों में लगा लगा कर वो आपके अंदर सीट को चुराने की कोशिश करता है। अगर आज एक लड़की मेरे सामने से जा रही है जिसने बड़े वाहियात कपड़े पहने हैं और मेरा ध्यान वहां जा रहा है, तो वो सीट मुझे बचाता है। वो मुझे कहता है, तू सुन चुका था व्यभिचार न करना, पर मैं तुझसे कहता हूं किसी को देखकर अपने मन में मत सोचना। ये क्या है? ये वो सीड है जो मुझे फ्रूट दे रहा है। आपको पता है बाइबल देने का एक कारण आपको क्या है? कि वचन देहधारी हो जाए। कितने वचनों को आपकी देह में, मैं पूछना चाहता हूं, कितने वचनों को आप अपनी देह में धारण किए हुए फिरते हो? यह सिर्फ यीशु के लिए नहीं था कि वचन देहधारी हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वचन देहधारी हुआ है? क्या उस सीड ने आपके अंदर रह के, क्या वो सीड आपको कंट्रोल करता है? क्या आपके पास जब लोग आते हैं और कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, किसी और को बगैर सुने आप जज कैसे कर सकते हो? क्या वो सीड आपको रोकता है? अदरवाइज आप एक तरफा न्याय कर लेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में सीखा वचन देहधारी होना कितना जरूरी है। वचन का देह में आकर धारण करना कितना जरूरी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनकी इनर कंडीशन क्या होगी। नो डाउट हम यहां पर एक अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, अच्छा बन लेते हैं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु उनकी पर्सनल लाइफ कैसे होगी। यहां पर बाइबल पढ़ने वाले लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं सोचो उनकी हालत क्या होगी। सोचो, ध्यान दीजिए।